होली पर्व को लेकर बिलासपुर जिला में खूब रंग और गुलाल उड़े। हालांकि कोरोना वायरस के खौफ के चलते यहां भ्रांतियां थी कि इस बार होली पर्व फीका दिखाई देगा, लेकिन बिलासपुर जिला में इसका असर नहीं दिखाई दिया। युवा और युवतियों ने रंग गुलाल के साथ खूब मस्तियां की और अपने रिश्तेदार और सखी साबंदियों को भी खूब रंग गुलाल लगाए। वहीं आशा विकलांग किंग संस्थान कोठी में विकलांग बच्चों ने खूब मस्ती के साथ होली मनाई। होली पर्व को लेकर बिलासपुर जिला में खूब रंग और गुलाल उड़े। हालांकि कोरोना वायरस के खौफ के चलते यहां भ्रांतियां थी कि इस बार होली पर्व फीका दिखाई देगा, लेकिन बिलासपुर जिला में इसका असर नहीं दिखाई दिया। युवा और युवतियों ने रंग गुलाल के साथ खूब मस्तियां की और अपने रिश्तेदार और सखी संबंधियों को भी खूब रंग गुलाल लगाए। वहीं आशा विकलांग किरण संस्थान कोठी में विकलांग बच्चों ने भी खूब मस्ती के साथ होली मनाई। जहाँ पर देश भर में रंगों के साथ होली मनाई जा रही थी, वहीं विकलांग बच्चों व अध्यापकों ने हल्दी और फूलों द्वारा होली मनाई। संस्था की तरफ से सभी बच्चों को मिठाई भी बांटी गई। इस दौरान संस्था के संस्थापक योगेंद्र मालिक ने कहा कि बच्चों को होली की शुभकामनाएं देते हुए होली में केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग न करने का भी संदेश दिया गया। आशा किरण परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये रंगों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार है, तो हम आज इन दिव्यांग बच्चों के साथ में मना रहे हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इसके लिए आप सभी लोगों को पुनः एक बार फिर होली की हार्दिक शुभकामनाएं।